चलो भाई नेक्स्ट है आज का एक्टिंग सेगमेंट, दिखाइएगा मुझे सबसे पहले एक्टिंग करने के लिए कौन आ रहा है। आएंगे चैंपियंस पहले नंबर पे, फिर टिकटॉकर्स हैं दूसरे नंबर पे, फिर यूट्यूबर्स हैं और आखिर में है इंस्टाग्रामर्स। लो भाई सिचुएशन लेकर आओ एक्टिंग की। सबसे पहले चैंपियंस है, गौर से सुनिएगा। दो लड़कों को एक ही लड़की पसंद आ गई है। दोनों लड़के शीशे के सामने खड़े होकर उसे आई लव यू बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोनों लड़की को प्रपोज करने जा रहे हैं। जैसे ही प्रपोज करेंगे वैसे ही बुरी तरह से लड़की से पिटेंगे। लड़की को दोनों लड़के पसंद नहीं है। आखिर में आओगे, आना है आपने, पहले आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी शीशे के सामने। दोनों साथ जाओगे आई लव यू बोलने के लिए, दोनों प्रपोज करोगे, ये दोनों को मारेंगी पकड़ के। एक ही जगह कर लो या दोनों अलग अलग जगह कर लो, लेकिन मर्जी जैसे तुम लोगों को बेहतर लगे। माइक चेक करो, तीनों माइक चेक करो। हेलो हेलो, इस पर माइक चेक करो। हेलो हेलो, यहाँ दोनों आमिर, एक कैमरा आप पे रहेगा, एक कैमरा वहाँ पे रहेगा। रेडी गो चैंपियंस। अजी सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं कुछ दिनों से आपसे कुछ कहना चाहता था। नहीं ऐसे नहीं यार, बोरिंग लगता है। बिस्मा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, दिल करता है तुम्हें अपनी शिट यार। मैंने सोच लिया है बस, अब जो ज़िंदगी गुजारनी है आपके साथ गुजारनी है, और जो भी मुश्किलें आएंगी साथ में गुजार लेंगे। यार बोरिंग है यार। बिस्मा, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, हमेशा तुम्हारे से पैसे लूँगा। यार क्या बोल रहा है। चलो चलते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। हेलो बिस्मा। हाय बिस्मा, कैसी हैं आप? ठीक हो? असल में मुझे कुछ कहना था आपसे। तू बाद में कहना, पहले मेरी बात। जल्दी जल्दी बोलो। दरअसल मसला यह है कि है ना, ये आई लव यू बिस्मा, मैं अभी तुम्हें शर्म नहीं आती तुम मुझे प्रपोज करता? आई लव यू बोल, आई लव यू मान ले। चलो उधर चलो। चलो बारी किसकी है? टिकटॉकर्स। समंदर के करीब खतरनाक जगह पर पत्थर पे बैठकर समंदर की लहरों को एंजॉय कर रहे हैं। कपल बहुत खुश है, एक कपल गया हुआ है, लड़की बहुत खुश है। एकदम से लड़का फिसलकर समंदर में गिर जाएगा। कोई बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मछेरा शिकार छोड़कर इसको बचाने आएगा और उसको बचा के ले आएगा। क्या? अच्छा मैंने कहा तुम कह रहे हो सर, ये सर ये क्या हो रहा है सर यहाँ पर? नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कल आ जाओ। सुन सहबा सुन। आओ भाई माइक चेक करो तीनों। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक करो, माइक चेक करो। हेलो माइक, हेलो हेलो, मैं बचाने हूँ। आप मछेरे हो, आप कपल हो, बैठे हुए हो, एंजॉय कर रहे हो, एकदम से आप खड़े होके हो सकता है आई लव यू बोल रहे हो या कोई ऐसी बात कर रहे हो और पानी में गिर गए, फिर आप चीख रहे हो कि आपको स्विमिंग नहीं आती है, फिर एक मछेरा आएगा बचाने के लिए, बचा के लिए आएगा और बचाने के फौरन बाद बोलेगा आप मुझे 5 लाख रुपये चाहिए मतलब दोबारा फेंक दूंगा। सही है, रेडी गो। यार देखिए पॉपकॉर्न खाते हैं, इतनी अच्छी लहरें आ रही हैं। पहले तो मुझे पता तुम खुश हो, देखो मैं तुम्हारी बात पूरी करी। हाँ खुश तो बहुत, तुम बहुत खुश लगते हैं वैसे मुझे। हाँ मैंने तुम्हें पहले ही बोला था तुम्हें परेशानी की बात ही नहीं, तुम जो ख्वाहिश करते हो पूरी करता हूँ। समंदर की थी पिछले हफ्ते, आज पूरी कर दी। अच्छा, कितनी भाई लहरें। इसी बात पे फिर मछलियाँ लेकर आए ना, वो पल्ला मछली जो है वो गाना भी तो था एक पल्ला मछली, तो मुझे वो ही चाहिए। जाए सिर्फ समंदर की बात हुई थी, मछलियाँ कहाँ से आ गई? जाए ना। अच्छा परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो, पर तुम लहरों से देखो कितना मजा आ रहा है, देखो लहर ऊपर आ रही है, देखो मतलब सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जाए ना, बस बातें नहीं बनाए, मुझे वही चाहिए। हाँ जा रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ, पहले पत्थर फेंक के देखते हैं। हाँ मछली पकड़ती है, मैं उड़ती तेरी मछली। क्या हो गया? तैरना नहीं आता? प्लीज बताइए क्या हुआ, क्या हुआ? गिर गए भाई। आपके गिर गए? हाँ। एक मिनट रुको, मुझे मुझे मैं करता हूं, कुछ करता हूं। एक मिनट, ए भाई, ए रे रे रे, रुक रुक, आ जा। मेरे वो गिर गए। लो भाई बारी किसकी है? अब यूट्यूबर्स की बारी है। एक कपल शिकार पर गया है, सांप ने लड़के को डस लिया है। लड़का कह रहा है अब मैं मर जाऊंगा। लड़की सपेरे को ढूंढने निकली है, बीन बजा के सांप को बुला लो, मेरे दोस्त को बचा लो। सांप आएगा और वो सपेरे को डस कर चला जाएगा, इस बार दोनों मर जाएंगे। अच्छी सिचुएशन है, दोनों मर जाएंगे।
देखो बड़ा सिंपल है, आप दोनों जंगल में हो, शिकार पे निकले हुए हो, अचानक से सांप ने, और कौन कपल बनेगा इसमें, इनको सांप ने काट लिया। अब ये बहुत परेशान हो रहा और कह रहे किसी तरह सपेरे को लेकर आ जाओ कि वो सांप को बुलाएगा और वो सांप जो है मेरा जो जहर है वो निकाल के वो चला जाएगा। आप सपेरे को लेकर आओगे जाके, जैसी सपेरा आएगा वो सांप आगे सपेरे को भी काट लेगा और दोनों मर जाएंगे। अब आ जाओ, माइक चेक करो तीनों। हेलो 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 हेलो, इमरान माइक चेक करो। हेलो हेलो, रेडी गो। अरे मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम शिकार पे चलेंगे। अरे मैंने शेरों का शिकार किया है, तो देखो अभी आओ, चलो आओ, यहाँ बैठते हैं, यहाँ शेर का वेट करता है, शेर यहीं से गुजरता है, यहाँ से गुजरता है। अरे सांप ने काट लिया ही। अरे तो तुम भी निच्छाधार नगर के साथ मेरे साथ जुड़ी रहती हो, जाओ किसी सपेरे को ढूंढ के ला जल्दी। अरे जल्दी लेकर आओ सपेरे को, अबे कोई रस्सी ढूंढ लेता हूँ। सांप ने काट लिया उनको, प्लीज जरा सांप ने काट लिया, देख ले प्लीज। अरे मैं जल्दी बुलाओ, से कहाँ है भाई सांप, कहाँ है ये? अरे भाई जल्दी आ जाओ, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, सांप को ढूंढने दे पहले, रुक जा जल्दी ढूंढ, मेरा जहर फैलता जा रहा है, जहर फैलता जा रहा है यहाँ पर। आजा अबे ओए ओ सतके की लोकी, जल्दी सांप को ले आ जा, आजा जी। अरे मेरे को काट लिया, अरे कुछ कर, अरे टाइम अप। डस्ट तो लिया था वो मरने के लिए, मैंने कहा था डस्ट ना था दोनों को। बारी आप लोगों की है। लड़की का बंदर गुम हो गया है, लड़की रो रही है, जो मेरा बंदर ढूंढ कर लाएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम में दूंगी। सर तोड़ कोशिशों के बाद लड़कों ने बंदर ढूंढ लिया। मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, मेरी मेहनत ज़्यादा है, मैंने अपनी जान पर खेल कर बंदर को बचा लिया। अच्छा, लड़की का बंदर खो गया, इसने ऐलान करा दिया जो ढूंढ के लाएगा मैं उसको 1 करोड़ रुपये लूँगी। ये दोनों पक्के दोस्त हैं और ये इन्होंने शुरू में ये तहिया किया होगा कि हम दोनों ही ढूंढ के लाएंगे, लेकिन जैसे ही तुम दोनों को बंदर मिला है वापस आके मुकर गए एक दूसरे को। अब तुम बोल रहे हो सारे पैसे मुझे चाहिए, सारे पैसे मुझे चाहिए, दोनों में झगड़ा हो गया, इन दोनों में झगड़ा हो गया। और इस दौरान जो है बंदर जो है वो एक के हाथ में था, उसको चोट लग गई है ज़ोर से, या बंदर की टांग टूट गई है, कुछ हो गया। तो अब जो है कहानी तीनों पर आ गई है। ये मैं कह रहा हूँ, मतलब तुम सिंपल कर लो, सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो लेकिन कर लो, जो जैसे सिंपल करना चाहो कर सकते हो। माइक चेक कर लो तीनों पहले एक दफा। हेलो 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 हेलो, नबील माइक चेक। हेलो हेलो हेलो, रेडी, पहले आप ऐलान करोगे, रेडी गो। मेरा बंदर कहाँ है यार, तू बंदर नहीं मिल रहा, बंदर खा गया मेरा। यार तुझे पता है यार, बेस्ट फ्रेंड है यार, यार आज हम लोग ना लाटू खेलने चलेंगे। छोड़ियो ये लड़की। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं ऐलान करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जो भी मेरा बंदर ढूंढ के लाएगा मैं उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगी। ऊपर पैसे ही पैसा होगा, बंदर ढूंढो बंदर ढूंढो, और इधर तो वैसे ही इतने सारे हैं। मेरे बहुत बंदर मिल गया, आधे आधे पैसे कर लेंगे, कर लेंगे पक्की डील, डन। तू उधर ढूंढ, मैं इधर। मैडम मैं आपका बंदर ढूंढ के लाऊंगा, आप परेशान ना हो, आपका बंदर ला दूंगा, कोई जल्दी लाए ना। बंदर कहां है तू? अबे बंदर बंदर, ये तो कैंगरू है, सॉरी। अबे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ये रहा ये बंदर, मिल गया। चल 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 चल, बंदर मिल गया आपका, मैंने ढूंढा है बंदर आपका, ये देखे पैसे मुझे दे दे। मैडम बंदर हम दोनों ने मिलकर ढूंढा भाई जान। मैडम मेरी बात सुनो, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। चलिए जी, पहले आप लोग बताइए ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आपको किसकी लगी है? अच्छा, यूट्यूबर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, ठीक है, और कम्प्लीट हुई। इसी तरह से यहाँ चैंपियंस के साथ प्रॉब्लम हुई, यहाँ पर लड़की थोड़ी सी लेट आई, जिसकी वजह से वो सिचुएशन, मुझे लगा कि आखिर में जो होना था वो उस तरह से हो नहीं पाया। वो तो गया था, मार 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 तो दिया था उसने दोनों, बस वो, लेकिन बहुत ही जल्दबाजी में हुआ। अगर लड़की को पहले आना चाहिए, कम बचा था उनके पास, बहुत ज्यादा इसी तरह मसरूर पानी में लेट कूदा, जिसकी वजह से शायद को टाइम नहीं मिला जो उन्होंने पूरा करना था, वो उस तरह से निकाल के लेके आना था। फिर वो 5 लाख रुपए का केस था, वो सब चीजें नहीं हो सकी उसमें। और यहाँ यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे मगर कंप्लीट कर ली इन्होंने भी सिचुएशन, इंस्टाग्रामर ने अच्छी थी, मदद की थी। और यहाँ पे थोड़ा सा वही हुआ है एंड का, टाइमिंग की वजह से होता है, वो थोड़ा सा नहीं देख पाते, तो वो और अच्छा होता था वाइंड अप इसका, मेरे हिसाब से।
असल में टिकटॉकर्स की सिचुएशन कंप्लीट हुई थी या नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी सिचुएशन क्या है? अगर आपने एक चीज ऐड की थी, अगर वो उसमें आपने ऐड की थी तो वैसे तो कंप्लीट हो गई कि वो निकाल के लेके आ गया, लेकिन मैंने एक चीज सुनी थी, मेरे कानों में पड़ी थी कि आपने कहा था कि जी वो 5 लाख रुपए दो वरना ये फिर नहीं, वो मैंने ऐड की थी, कंप्लीट निकाल के ले आया, फिर कंप्लीट मैंने ऐड की थी। अच्छा जी, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो थी वो एक्टिंग के हिसाब से और इम्प्रोवाइजेशन के हिसाब से टीम यूट्यूबर्स की थी, क्योंकि वो उसने प्रॉपर जो है वो माहौल बनाया, वो गए बैठ के शिकार करने के लिए बैठे, टाइगर का एकदम से सांप ने काट लिया वो लेकर लेने का गई है वहाँ पर। सिर्फ एक जो चीज़ थी ना, तुम अगर थोड़ा सा पहले आते और जो सांप था वो तुम्हें थोड़ा सा पहले डस लेता तो ये सिचुएशन और भी कहीं ज़्यादा फनी हो जाती, तुम्हें मौका मिल जाता दोनों को तड़पने का, यू नो, और वो एक कॉमिक रिलीफ जो है वो तुम दोनों ज़्यादा दे सकते थे जितना भी तुम लोगों ने दिया, लेकिन एज कम्पेयर टू द अदर टीम्स तुम लोग फिर भी बेहतर थे। अच्छा, बारी थी टीम चैंपियंस की, शुरू का सारा टाइम तुम लोगों ने शीशे के सामने एक ही हरकत करते में निकाल दिया कि उसको बता, एक दफ़ा करते उसके बाद बोलते दोनों कहीं मिलते जाते कि आज आई लव यू बोलेंगे बोलेंगे, तकरीबन 36 से 37 सेकेंड्स तुम लोग ऐसे ऐसे करने में, हम यूँ कर लेंगे वो कर लेंगे, एक दफ़ा बोलते, अलग अलग भी बोलते तो एक दफ़ा ये बोलता एक दफ़ा तुम बोलते, जाकर परफॉर्म तुम्हें करना था एक्चुअली लड़की के सामने, उसको वो सही कह रहे टाइम मिला ही नहीं कि वो तुम पर रिस्पॉन्ड कर सकती कोई चीज़। माइक में बोलो, माइक में बोलो, माइक में बोलो। सिचुएशन में ये था कि वो ट्राई कर रहे हैं, मतलब मिरर के सामने वो ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दफा करके मुझे बता देना था कि तुमने ट्राई कर लिया, ज्यादा करना तुम ओवर कर रहे थे वो, उसके बाद तुम सीधे जाते उसके पास और वहां जाके यू नो बुके लेकर जाते या कोई चीज ऐसी लेकर जाते जो तुमने वहां की थी, वो उसके सामने करते और फिर उसको बोलते कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो सुनती क्योंकि टाइम नहीं बचा था, उसने तुम्हारी बात सुनी और फौरन से मारना शुरू कर दिया, तो वो जो एक चीज था ना, वो जो एक मोमेंट था, वो तुम लोग कर ही नहीं पाए हो मेरे हिसाब से। सिचुएशन पूरी कर ली लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बहुत कमाल की एक्टिंग की, इसलिए कह रहा हूँ कि वो लोग जो है बेहतर तुम लोगों से करके गए। अच्छा, इंस्टाग्रामर्स की तरफ से मुझे लगा था कि तुम दोनों बहुत सारी चीज़ें ऐड करोगे इसके अंदर, जो सिचुएशन मैंने पढ़ी थी, जो मैं तुमसे एंड तक कह रहा था, वो इसीलिए कह रहा था कि वो चीज़ें तुम ऐड कर दे, तुमने एग्जैक्टली वही की जो सिचुएशन के अंदर है कि तुम गए हो, तुमने बोला कि एक तो दुआ तुम्हें सबसे पहले आके तुमने देखना था कि बंदर खो गया, मैं ऐलान करती हूँ कि मैं 1 करोड़ रुपये लूँगी, इनको टाइम मिलता ये बंदर ढूंढ के लाते। एक्चुअली जो कॉमेडी थी ना एंड की, वो इन दोनों के दरमियान थी, वो हुई ही नहीं है, उसने 4 सेकंड बचे थे तो बोला भाई साहब आप हट जाएं, ये पैसे मुझे देने, असल में कम से कम 20-25 सेकंड ना तुम दोनों की लड़ाई के लिए बचते और उसी में बंदर को चोट लग जाती या उसमें तुम चीज़ें इम्प्रोवाइज कर लेते तो वो ज़्यादा मज़ा आता। तुम लोगों ने भी सिचुएशन को बिल्कुल सीधा सीधा परफॉर्म कर दिया। अच्छा जी, टिकटॉकर्स के साथ भी यही हुआ है, आज भी तुम जो है वो खुलकर एक्टिंग नहीं कर पाई हो, जब समंदर के अंदर बैठी हुई हो, फॉर एग्जांपल आप नॉर्मली जब जाते हो हाथ में पत्थर लेके आप एक कोई जेस्चर दे सकते थे कि भाई आप समंदर के पास बैठे हुए हो, या यू नो आप बहुत सारे लोग जाके वहाँ कुछ खाते हैं, तुम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, आपस में बातें कर रहे थे, फिर मैंने कहा था कि तुम स्लिप हो जाना, वो ज़्यादा बेहतर लगता है बनिस्बत इसके कि तुम बोल रही हो अपने हस्बैंड को कि जाके ज़रा पल्ला मछली ढूंढ के लिए आएँ, उससे बेहतर जब उसको स्विमिंग नहीं आती तो वो कभी भी नहीं जाएगा, तो बेहतर ये था कि तुम उठते सेल्फी लेने के लिए या कुछ और तुम फिर पानी में गिर जाते। वाह क्या बात है, ये आपने खुद समझना है कि ये मेरे अंदर के एक्सप्रेशन चल रहे हैं कि मैं डर रहा हूँ। जब मैंने तुम्हें कहा कि एक पिक्चर लेने के लिए, मैंने तुम्हें ये मतलब एक तरह से एक एग्जांपल देके भी दिखाई थी, वो तुम कुछ और भी कर लेते लेकिन क्लियर करते। मेरे हिसाब से 2 पॉइंट्स जाएंगे टीम यूट्यूबर्स के साथ, बाकी एक एक पॉइंट जाएगा इन तीनों टीम्स के साथ, हो जाएगा इस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।